माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो में हम सीखेंगे वीलुकअप फंक्शन का उपयोग करके सर्च बॉक्स क्रिएट करना। यहां पर ये हमारे पास एक डेटा है जिसमें कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, इनवॉइस डिटेल्स दी गई हैं। एक ही कस्टमर को यहां पर मल्टीपल टाइम्स अलग अलग प्रोडक्ट्स की बिलिंग की गई है, यानी यहां पर हर एक कस्टमर की मल्टीपल एंट्रीज हैं। अब यदि हमें यहां पर किसी कस्टमर की डिटेल्स को सर्च करना हो तो नॉर्मली हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फिल्टर। तो हम यहां पर फिल्टर अप्लाई करेंगे और उस कस्टमर को यहां पर फिल्टर कर लेंगे जिस कस्टमर की एंट्रीज को हम यहां पर देखना चाहते हैं। तो यहां कस्टमर नेम वाले फिल्टर आइकन पर क्लिक करेंगे और यहां से जिस भी कस्टमर के डेटा को हम यहां पर देखना चाहते हैं उस कस्टमर को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे और अन्य सभी को अनसिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमें यहां पर ये जो कस्टमर है फर्स्ट सर्विस स्टोर, इसके डेटा को यहां पर देखना है तो इसको हम यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहां से ओके करेंगे। तो इस तरह से हम नॉर्मली किसी भी कस्टमर की डिटेल्स को यहां पर शो कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहां पर एक ऐसा सर्च बॉक्स क्रिएट किया है जिसमें आप जैसे ही कस्टमर नेम टाइप करेंगे तो उस कस्टमर का डेटा वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहां से फिल्टर को रिमूव कर लेंगे फिलहाल और यहां शीट टू पर आ जाएंगे। यहां पर ये हमने सर्च बॉक्स क्रिएट किया हुआ है। अब जिस भी कस्टमर की डिटेल्स को हम यहां पर रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं उस कस्टमर का नेम यहां पर टाइप कर देंगे। और खास बात यह है कि उस कस्टमर नेम को आपको यहां पर कंप्लीट टाइप नहीं करना है, उसके एक दो यूनिक लेटर्स भी यहां पर टाइप करेंगे तो उस कस्टमर का डेटा यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहां पर कस्टमर है फर्स्ट सर्विस स्टोर, तो यहां पर हम केवल F टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट सर्विस स्टोर का डेटा रिफ्लेक्ट हो गया है। इसी तरह से यदि हम यहां पर टाइप करेंगे एच और एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर दूसरा कस्टमर जो है हरितेश स्टोर, इसका डेटा रिफ्लेक्ट हो गया है क्योंकि हमारे डेटा में एच से केवल एक ही कस्टमर है हरितेश स्टोर। अब मान लीजिए हम यहां पर टाइप कर देते हैं बी, एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर बी ग्रोसर जो कस्टमर है उसका डेटा रिफ्लेक्ट हो गया है। इजी स्टोर के लिए हम यहां पर ई टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, परंतु यहां पर केवल ई से इजी स्टोर का डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि ये जो लेटर है ई ये बी ग्रोसर में भी आया है। तो इजी स्टोर के लिए हमें यहां पर दो लेटर टाइप करने पड़ेंगे। तो यहां पर हम टाइप करेंगे ई ए और एंटर करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं इजी स्टोर का डेटा रिफ्लेक्ट हो गया है। इस सर्च बॉक्स को क्रिएट करने के लिए केवल वी लुकअप फंक्शन का उपयोग किया गया है, कोई भी वीबीए या मैक्रो का उपयोग यहां पर नहीं किया गया है। तो आइए सीखते हैं इस अमेजिंग सर्च बॉक्स को क्रिएट करना। यहां पर हमने सेम डेटा लिया है क्योंकि हम यहां पर डेटा को सर्च करने के लिए वी लुकअप फंक्शन का उपयोग करने वाले हैं और वी लुकअप फंक्शन में लुकअप वैल्यू यूनिक होता है, जबकि यहां पर कस्टमर नेम्स मल्टीपल टाइम्स आए हैं तो इन सभी कस्टमर नेम्स को हम यहां पर यूनिक नेम देंगे। इसके लिए हमें यहां पर एक हेल्पर कॉलम की जरूरत होगी। इस कॉलम को हम यहां पर नेम दे देंगे हेल्पर और यहां इस सेल में क्लिक करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे जो फर्स्ट कस्टमर नेम है और यहां कॉन्कैटिनेट के लिए एम्परसेंट का साइन लगाएंगे और अब हम यहां पर काउंट इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे। ये देखिए काउंट इफ फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। यहां पर काउंट इफ फंक्शन का फर्स्ट आर्गुमेंट है रेंज। रेंज में हम यहां पर इसी सेल का एड्रेस देंगे, सेम सेल का। इस सेल का एड्रेस है B3, तो यहां पर हम B3 टाइप करेंगे और इन रेंज को हम यहां पर F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड कर देंगे। अब यहां पर कॉलन लगाएंगे और सेम सेल का एड्रेस यहां पर टाइप कर देंगे B3। अब कॉमा लगाएंगे। काउंट इफ फंक्शन का नेक्स्ट आर्गुमेंट है क्राइटेरिया। इसके लिए भी हम यहां पर सेम सेल का एड्रेस देंगे यानी B3। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखिए यहां पर होगा क्या, सभी नेम्स को काउंट इफ फंक्शन द्वारा यहां पर नंबर्स दे दिए जाएंगे। जैसे पहला कस्टमर है यहां पर बी ग्रोसर, जब वो पहली बार आएगा तो बी ग्रोसर 1 आ जाएगा, दूसरी बार आएगा तो बी ग्रोसर 2 आ जाएगा। इसी तरह से सभी के नेम्स के लिए यहां पर यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। अब यहां पर हम एंटर करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहां पर
जो फर्स्ट बी ग्रोसर है कस्टमर, इसका आइडेंटिटी हो गया यहाँ पर बी ग्रोसर वन। अब इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहां से इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, कॉलम विड्थ को एडजस्ट कर देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं सभी कस्टमर्स के लिए यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई है। एक बार यहां पर चेक कर लेंगे फिल्टर अप्लाई करके, तो डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे। यहां कस्टमर नेम को फिल्टर करेंगे, किसी भी एक कस्टमर को यहां पर फिल्टर करके देखेंगे। इजी स्टोर को किया हमने, ये आप यहां पर देख सकते हैं इस कस्टमर के लिए यहां पर जितनी बार भी आया है उतनी बार यूनिक आइडेंटिटी मिल गई है। फिल्टर को यहां से रिमूव कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करके। यहां पर हम एक काम और करेंगे, ये जो डेटा रेंज है इनको एक नेम दे देंगे। तो डेटा को हम यहां पर पूरा सिलेक्ट करेंगे हेडिंग्स को छोड़कर, और नेम रेंज क्रिएट करने के लिए यहां फॉर्मूलाज पर क्लिक करेंगे, यहां डिफाइन नेम पर क्लिक करेंगे। यहां पर इन रेंज के लिए हम कोई नेम डिफाइन कर देंगे, यहां पर हम नेम दे देंगे डेटा, और यहां से ओके करेंगे। तो ये नेम रेंज यहां पर क्रिएट हो गई है, यहां से आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा, जब हम सर्च बॉक्स वाली शीट पर VLOOKUP फंक्शन अप्लाई करेंगे तो टेबल अरे के लिए हमें बार बार इस शीट पर नहीं आना पड़ेगा। ये काम तो हमने यहां पर कर लिया शीट वन पर। अब हम यहां पर एक शीट और इंसर्ट करेंगे जिस पर हम सर्च बॉक्स क्रिएट करेंगे। वापस शीट वन पर आएंगे और यहां से इन हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और यहां इस शीट पर आ जाएंगे। यहां पर देखिए ये C5 सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस करेंगे, तो ये पेस्ट स्पेशल की विंडो यहां पर ओपन हो जाएगी। यहां पर देखिए ये ऑप्शन है कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक करेंगे और यहां से ओके करेंगे, तो वहां जो भी हेडिंग्स में कॉलम विड्थ है वो सेम यहां पर हो जाएगी। अब हेडिंग्स को पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे तो सभी हेडिंग्स यहां पर पेस्ट हो जाएंगे। अब सर्च बॉक्स क्रिएट करने के लिए ये थर्ड रो की विड्थ को हम यहां पर इंक्रीज कर लेंगे और इसमें हम सेम फॉर्मेटिंग कर लेंगे। तो इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और इस सेल को आप सिलेक्ट कर देंगे। इस सेल में हम टाइप कर देंगे सर्च, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेंगे, सेंटर में अलाइन करेंगे और मिडिल में अलाइन करेंगे। अब इन सेल्स को हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे, D3 और E3 सेल को, होम पर जाएंगे और यहां मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज कर लेंगे। यहां पर हम कोई कलर फिल कर लेंगे लाइट कलर, बॉर्डर्स पर जाएंगे और ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर देंगे। तो यहां पर ये सर्च बॉक्स क्रिएट हो गया है। यहां पर भी हमें हेडिंग से पहले एक हेल्पर कॉलम की आवश्यकता होगी, तो इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, इसमें टाइप कर लेंगे हेल्पर। यहां पर इस कॉलम में नॉर्मल सीरियल नंबर्स टाइप कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, 1 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। तो यहां तक हमने ड्रैग कर लिया है, जितने भी आपके मैक्सिमम रिकॉर्ड्स हैं उतना हम यहां पर सीरियल नंबर्स कर लेंगे। यहां पर क्लिक करेंगे और फिल सीरीज पर क्लिक कर देंगे। तो यहां पर हमने सीरियल नंबर्स लिए हैं 19 तक। अब डेटा को शीट 1 से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहां पर VLOOKUP फंक्शन का उपयोग करेंगे, तो इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। इससे पहले हम यहां पर ये F3 सेल में किसी एक कस्टमर का नेम टाइप कर लेंगे। हम यहां पर टाइप कर लेते हैं बी ग्रोसर। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और डेटा को शीट 1 से एक्सट्रैक्ट करने के लिए VLOOKUP फंक्शन अप्लाई करेंगे। देखिए VLOOKUP फंक्शन हमेशा सिंगल लुकअप वैल्यू के साथ काम करता है, परंतु हमारे पास यहां पर डबल लुकअप वैल्यू है, तो यहां पर हम कैसे VLOOKUP अप्लाई करेंगे डबल लुकअप वैल्यू के साथ। इक्वल प्रेस करेंगे, VLOOKUP टाइप करेंगे, ये देखिए VLOOKUP फंक्शन यहां पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे, यहां पर फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू और लुकअप वैल्यू है यहां पर डबल। तो कैसे करेंगे, पहले हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कस्टमर नेम लिखा है और F4 प्रेस करके इस सेल को फुल्ली फिक्स्ड कर देंगे। अब यहां पर हमें करना क्या है, यहां पर हम चाहते हैं कि बी ग्रोसर के साथ में 1 लग जाए, इसी तरह अन्य सभी कस्टमर्स के सामने इस तरह से ये सीरियल नंबर्स मर्ज हो जाएं।
तो इसके लिए हम यहां पर एम्परसेंड का साइन लगाएंगे और ये फर्स्ट सीरियल नंबर वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसको हम यहां पर फुल्ली फिक्स्ड नहीं करेंगे, केवल कॉलम को फिक्स्ड करेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूले को राइट साइड में ड्रैग करना है। इसके लिए हम यहां पर 3 बार F4 प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर कॉलम नंबर से पहले डॉलर का साइन आ गया है। कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है टेबल अरे। टेबल अरे के लिए अब हमें शीट 1 पर जाने की जरूरत नहीं है, हमने जो नेम रेंज क्रिएट की थी उसको हम यहां पर टाइप कर देंगे। नेम रेंज थी डेटा के नाम से, तो ये यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई है। डबल क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि हम यहां पर पॉपुलेट करना चाहते हैं कस्टमर नेम, और कस्टमर नेम है वहां पर शीट 1 पर सेकेंड कॉलम में, तो हम यहां पर 2 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट कस्टमर का नेम आ गया है। अब इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहां से इसको राइट साइड में ड्रैग करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर सभी सेल्स में कस्टमर नेम आ गया है क्योंकि हमने यहां पर कॉलम नंबर्स चेंज नहीं किए हैं। अब यहां पर हम बार बार कॉलम नंबर्स को चेंज करेंगे तो इसमें समय लगेगा, इसके लिए हम यहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह कॉलम्स फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो फंक्शन को विजिबल करेंगे F2 प्रेस करके और यहां 2 की जगह पर कॉलम्स फंक्शन अप्लाई करेंगे। कॉलम्स टाइप करेंगे, ये देखिए कॉलम्स फंक्शन यहां पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे। अब कॉलम्स फंक्शन में हम जो रेंज देने वाले हैं, पहले ये B4 सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस करके इन रेंज को फुल्ली फिक्स कर देंगे। अब यहां पर हम कॉलन का साइन लगाएंगे और यहां पर इस सेल को हम सिलेक्ट कर देंगे, C4 सेल को। तो ये रेंज हो गई यहां पर कॉलम्स फंक्शन के लिए। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे और फंक्शन को आगे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो यहां पर कॉलम नंबर्स ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे। अब इसको हम यहां से नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये जो कस्टमर है बी ग्रोसर, इसका डेटा, इसका कंप्लीट डेटा यहां पर रिफ्लेक्ट हो गया है। प्रॉब्लम यहां पर ये है कि जहां पर डेटा नहीं है वहां पर एरर शो हो गया है। ये एरर यहां पर शो ना हो इसके लिए हम यहां फंक्शन से पहले इफ एरर फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो सेल को हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे और F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे और फंक्शन से पहले हम यहां पर इफ एरर फंक्शन अप्लाई करेंगे और फंक्शन के लास्ट में कॉमा लगाएंगे, ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोटेशन टाइप करेंगे, यानी जहां पर भी एरर हो वहां पर सेल ब्लैंक हो जाए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। सेल को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में ड्रैग करेंगे और यहां से नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, तो जहां पर भी एरर होगा वो सेल्स यहां पर ब्लैंक हो जाएंगे। अब यहां पर जिस भी कस्टमर का नेम आप टाइप करेंगे उसी कस्टमर का डेटा यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे हम यहां पर टाइप कर देते हैं इजी स्टोर, एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहां पर इजी स्टोर का डेटा रिफ्लेक्ट हो गया है। अब देखिए हमें यहां पर जिस भी कस्टमर का डेटा सर्च करना है उसके लिए कस्टमर का फुल नेम टाइप करना होगा। अगर हम फुल नेम टाइप नहीं करेंगे या नेम में कोई भी गलती करेंगे तो यहां पर डेटा शो नहीं हो पाएगा। जैसे हम यहां ABC सुपर स्टोर के लिए केवल ABC टाइप करते हैं और एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर डेटा नहीं आया है। कि नेम के 1-2 करेक्टर्स भी यदि आप टाइप करेंगे तो डेटा यहां पर उस कस्टमर का रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें एक और VLOOKUP फंक्शन अप्लाई करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, VLOOKUP टाइप करेंगे, ये देखिए VLOOKUP फंक्शन यहां पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे। अब यहां पर हम डबल कोटेशन के अंदर एस्टरिस्क साइन लगाएंगे और कॉन्केटिनेट करने के लिए एम्परसेंट का साइन लगाएंगे। अब इस सेल को हम यहां पर सिलेक्ट कर देंगे, D3 सेल को, फिर से एम्परसेंट का साइन लगाएंगे और फिर से डबल कोटेशन के अंदर एस्टरिस्क का साइन लगाएंगे। ये हमारी हो गई लुकअप वैल्यू। कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है टेबल अरे। टेबल अरे क्योंकि हमें डेटा सर्च करना है शीट 1 पर जो डेटा है, तो यहां पर हमें नेम सर्च करना है, तो टेबल अरे के लिए हम यहां पर डेटा टाइप कर देंगे जो नेम रेंज हमने वहां पर क्रिएट की थी। डबल क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्योंकि हम यहां पर सर्च कर रहे हैं नेम और नेम है हमारा दूसरे कॉलम में, तो 2 टाइप करेंगे
कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहां पर फर्स्ट कस्टमर का डेटा रिफ्लेक्ट हो गया है, क्योंकि VLOOKUP फंक्शन हमेशा फर्स्ट मैच रिफ्लेक्ट करता है। अब ये सर्च बॉक्स वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम टाइप करेंगे मान लीजिए हरितेश स्टोर के लिए H और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर हरितेश स्टोर का डेटा रिफ्लेक्ट हो गया है। इसी तरह से यदि हम यहां पर टाइप करेंगे फर्स्ट सर्विस स्टोर के लिए F और एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट सर्विस स्टोर का डेटा रिफ्लेक्ट हो गया है। और इजी स्टोर के लिए हमें यहां पर दो करेक्टर टाइप करने होंगे, EA और एंटर करेंगे, क्योंकि यदि हम यहां पर केवल E टाइप करेंगे तो पहले जिस कस्टमर के नेम में ई आया होगा वो आ जाएगा, क्योंकि बी ग्रोसर सबसे पहला कस्टमर है जिसमें ई आया है। तो हमें यहां पर ई के साथ में एक और यूनिक करेक्टर टाइप करना होगा, EA। इसी तरह से ABC सुपर स्टोर के लिए हमें यहां पर AB टाइप करना होगा और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर ABC सुपर स्टोर का डेटा आ गया है। अब मान लीजिए सर्च बॉक्स में से हम डेटा डिलीट करते हैं, तो यहां पर देखिए बी ग्रोसर का डेटा रिफ्लेक्ट हो गया है फर्स्ट मैच। यहां पर हम चाहते हैं कि सर्च बॉक्स यदि ब्लैंक हो तो यहां पर कोई भी डेटा रिफ्लेक्ट ना हो, तो इसके लिए फंक्शन से पहले हम इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, फंक्शन विजिबल करेंगे F2 प्रेस करके, और इफ एरर फंक्शन से पहले हम यहां पर इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे। इफ टाइप करेंगे, ये देखिए इफ फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। इफ फंक्शन का पहला आर्ग्यूमेंट है लॉजिकल टेस्ट। हमारा लॉजिकल टेस्ट ये है कि यदि ये सेल F4 प्रेस करके इसको फुल्ली फिक्स्ड करेंगे बराबर है ब्लैंक के, ब्लैंक के लिए दो बार डबल कोटेशन लगाएंगे कॉमा, तो यहां ये सेल ब्लैंक हो जाए, फिर से ब्लैंक के लिए दो बार डबल कोटेशन लगाएंगे कॉमा लगाएंगे, अन्यथा यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। अब लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करेंगे इफ फंक्शन के लिए और एंटर प्रेस करेंगे। अब इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहां से राइट में ड्रैग करेंगे और यहां से नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अब ये सर्च बॉक्स यदि ब्लैंक होगा तो यहां पर कोई भी डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जैसे ही हम यहां पर डेटा टाइप करेंगे तो यहां पर डेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे हम यहां पर हरितेश स्टोर के लिए H टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर हरितेश स्टोर का डेटा आ गया है। अब यहां से ये हेल्पर कॉलम को हम हाइड कर देंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल जीरो प्रेस कर देंगे, तो ये हेल्पर कॉलम यहां पर हाइड हो गया है। और ये जो कस्टमर नेम है हम यहां पर इसको भी हाइड कर देंगे। तो होम पर जाएंगे और यहां से फॉन्ट कलर कर देंगे व्हाइट, तो ये भी हाइड हो गया है। व्यू पर जाएंगे और यहां से इन ग्रिड लाइंस को रिमूव कर लेंगे, तो ग्रिड लाइंस के सामने बने चेकबॉक्स को अनचेक करेंगे, तो यहां से ग्रिड लाइंस भी हट गई हैं। इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, सर्च बॉक्स के फॉन्ट साइज को मिडिल में अलाइन कर लेंगे और बोल्ड कर लेंगे। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट काम यह है कि जो भी डेटा यहां पर रिफ्लेक्ट हो उसमें बॉर्डर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए, तो इसके लिए हम यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करेंगे। तो डेटा को हम यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा नीचे तक सिलेक्ट करेंगे और होम टैब के अंतर्गत यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे या न्यू रूल पर क्लिक करेंगे। और यहां पर देखिए ये ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर ये जो सेल वैल्यू वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट है इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे नो ब्लैंक्स, यानी यदि ये रेंज जो हमने सिलेक्ट की है ब्लैंक नहीं है तो उनमें फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह की हो जाए। यहां फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, यहां पर बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और यहां आउटलाइन वाले बॉर्डर को सिलेक्ट कर देंगे, बस इतना ही करना है। और यहां से ओके करेंगे और यहां से भी ओके कर देंगे। अब देखिए यहां पर डेटा में बॉर्डर अप्लाई हो गया है, ऑटोमेटिक बॉर्डर। अब जैसे ही हम यहां पर किसी अन्य कस्टमर को सर्च करेंगे, जैसे हम यहां इजी स्टोर को सर्च करते हैं, एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं उसके डेटा में भी बॉर्डर अप्लाई हो गया है। शीट वन पर जाएंगे और यहां पर भी हम ये हेल्पर कॉलम को हाइड कर लेंगे कंट्रोल जीरो प्रेस करके। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप बिना VBA और मैक्रो के इस अमेजिंग सर्च बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।